जैसे कि पहले 15 लाख का झोल हुआ, उसमें भी उनका हाथ नहीं था, और अभी भी जैसे कि 6 लाख का झोल हुआ, उसमें भी उनका हाथ नहीं है। पहले 15 लाख का जब झोल हुआ उसमें नाम आया सायरा सप्तानी का, अभी जब 6 लाख का झोल हुआ उसमें आया रहीम उन्निसा का नाम। तो भाई मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि किसी के ऊपर इतना आसान क्या ब्लेम लगाना, और सामने वाला पार्टी दे रहा है तो कुछ सोच समझ के देगा ना 6 लाख रुपये। तीसरी बात मामा की, रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। तो कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हूँ, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इब्राहिम्स फैमिली ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज का जो मेरे वीडियो का टॉपिक है, थंबनेल देख के आप लोग समझ ही गएंगे। जी हाँ, आज का वीडियो होने वाला है अयूब शेख के ऊपर, अयूब रंताक शेख, जो भी हेल्प उनका तो नाम मुझे पूरा नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। तो बात करते हैं अयूब शेख की। तो जहाँ तक सूत्रों के अनुसार ये पता चला है कि उन्होंने किया है 6 लाख का, हालांकि वो लोगों को बोलते हैं कि किया किसी और ने है, रहीम उन्निसा शेख बोल के किया है किसी ने 6 लाख का फ्रॉड, जो भी है। देखिए, मेरा ये मानना है कि कोई भी किसी का भी नाम लेके 6 लाख का फ्रॉड नहीं कर सकता है। फ्रॉड करने के लिए उसको काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, और ख़ास कर एक यूट्यूबर अगर किसी के नाम पे फ्रॉड कर रहा है, और तो वो किस बेसिस के ऊपर कर रहा है? ज़रूर आपकी कोई एविडेंस होगी, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स होगी उनके पास या कुछ भी होगा। अगर जैसे कि सामने वाला पार्टी भी इतना तो बेवकूफ़ है नहीं कि ऐसे ही किसी को आपके नाम पे पैसा दे दे, वो भी 6 लाख। 6 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। 6 लाख तो छोड़ो, 6,000 या 60,000 भी आजकल के लोगों के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है देना। लेकिन क्या है ना कि आजकल ना पैसे 15 लाख बोलो या 6 लाख बोलो, फ्रॉड तो ऐसे ही हो जाते हैं, और फिर बाद में लोग बोलते रहते हैं कि हमारा इस चीज़ में कोई हाथ नहीं है। जैसे कि पहले 15 लाख का झोल हुआ, उसमें भी उनका हाथ नहीं था, और अभी भी जैसे कि 6 लाख का झोल हुआ, उसमें भी उनका हाथ नहीं है। पहले 15 लाख का जब झोल हुआ उसमें नाम आया सायरा सप्तानी का, अभी जब 6 लाख का झोल हुआ उसमें आया रहीम उन्निसा का नाम। तो भाई मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ कि किसी के ऊपर इतना आसान क्या ब्लेम लगाना, और सामने वाला पार्टी दे रहा है तो कुछ सोच समझ के देगा ना 6 लाख रुपये। तीसरी बात मामा की, तो तीसरी शादी होते होते रुक गई, और मामा अभी पहले फैमिली के साथ रह रहे हैं। और भी एक बात मैंने सुनी थी किसी की वीडियो में कि उन्होंने 4 लाख रुपए भी मरियम आंटी से मांगे थी, तो वो तो छोड़ो, वो उनका मैटर है, वो उस मैटर में मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। लेकिन जो बात सामने आया है उस बात के अनुसार सूत्र के मुताबिक, हालांकि जो कि उसके रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, फिर वो जाने दीजिए, ये पता चला है कि मामा ने फिर से किया पैसों का झोल, और फिर से लिया लूटल 6 लाख रुपए किसी के नाम पे, और अब उसका जो ब्लेम है वो जा रहा है किसी और के ऊपर। तो देखिए, लूटे हुए पैसों से ना, किसी के लूटे हुए पैसों से ना ज़िंदगी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलती। हराम कमाई की जो ज़िंदगी होती है ना, वो हराम तरीके से गुजरती है, उसमें ना सुख होता है ना चैन होता है। ये जो लोग हैं ना, अभी बोल रहे हैं कि मैं अगर सायरा अयूब शेख लगाएगी तो मैं वापस उसके साथ जुड़ जाऊँगा, ये वो। पहली बात तो यह है कि मामा जो है वो छोटे छोटे यूट्यूबर्स को धमकाते कि उनके नाम पर केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो एक खास सूत्र से मुझे पता चला है, जैसे न्यूज़ चैनल बोलते सूत्र के अनुसार, तो खास एक न्यूज़ चैनल तो नहीं बोलूँगी, हाँ यूट्यूबर से पता चला है कि मामा जो है छोटे छोटे यूट्यूबर्स को धमकी देते हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर्स के नाम पे केस करने की धमकी देते हैं, और दूसरों के पास जाके गाली गलौज करते हैं छोटे छोटे यूट्यूबर्स के नाम पर। तो पहली बात तो यह है कि पहले आप लोग छोटे छोटे यूट्यूबर्स को यूज़ करते हो, आप लाइव में आते हो, लोगों को लाइव में लाते हो, फिर अपनी ही बीवी के बारे में बुराई करते हो, बीवी आपकी लाइव में आती है, वीडियो बनाती है, आपके बारे में बुराई करते हैं, फिर जब लोग इसके बारे में वीडियो बनाए तो आप लोग धमकी देते हो। जैसे कि मान लो केस नहीं, पुलिस स्टेशन नहीं, आप लोग अब्बा का घर हो गया हो, आप जो बोलेंगे वही सही है, और आप बोलेंगे इसके ऊपर केस करो तो वो उसके ऊपर केस हो जाएगा, उसके ऊपर केस करो तो उसके ऊपर केस हो जाएगा। तो जैसे कि पुलिस केस नहीं है, दाल चावल हो गया है, और पुलिस स्टेशन नहीं है, आपका अब्बा का घर हो गया है, जब आप बोलोगे उसके ऊपर केस हो जाए, किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे, किस एक्ट पे होना है वो नहीं पता, बस केस कर दो।
छोटी यूट्यूबर्स को केस के नाम से धमका और चैनल टर्मिनेट के नाम पे धमका। आप लोगों को लगता है कि छोटे यूट्यूबर्स का जो घर होता है वो सिर्फ चैनल से ही चलता है, तो जनाब हम जो छोटे यूट्यूबर्स होते हैं ना, हमारे तो अभी तक सैलरी भी नहीं आई ना मोनू हुआ, तो चैनल टर्मिनेट होने का तो डर हमको नहीं है। जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनको ज़्यादा डर रहता है, रिस्क रहता है, क्यों? क्योंकि उनके चैनल पर बड़े तादाद से जो सब्सक्राइबर है वो है और उनको सैलरी मिलती है। हमारा जो घर है हमारे शौहर की कमाई से चलती है ना, हम हराम कमाई से किसी को लूट बाट के चलाते हैं ना, किसी की बुराइयाँ करके अपने पति का बुराई करके या फिर हमारे शौहर जो है वीडियो पे अपनी बीवी की बुराई करके पैसे कमाते हैं, पहली बार। दूसरी बात, केस करना हलवा नहीं है। जो केस करता है सिर्फ वो बच जाता है, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होता, जिसके ऊपर केस होता है उसको वही तकलीफ़ मत, ऐसा होता नहीं है। ताली दो हाथ से बचते, कोई अगर करता है उसको भी इक्वली तकलीफ़ होती है, जितना तकलीफ़ जिसको ऊपर केस होता है उसके ऊपर होता है। और जैसे कि मैंने बोला है कि 6 लाख का जो इशू है, वो 6 लाख का इशू का बात मामा ने अपने मुँह से को बोला था कि हाँ भाई मेरे नाम पर लूटा गया है, ठीक है। तो देखिए, एक बात मैं बोलूँगी कि दोनों बार ही लोगों ने लूटा पैसा, ठीक है, आपका सिर्फ नाम आया, ऐसा तो नहीं हो सकता। बॉस हमारे औरंगाबाद के वर्ड में बोलते हैं, मेरे शौहर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं बॉस, तो बॉस ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आपके नाम पे मैं अभी जाके मैं किसी अभी धीरू भाई अंबानी के नाम पे मैं किसी से पैसे मांगूँ और कोई भी आके पैसे दे दे, है कि नहीं है? और उस यूट्यूबर के ऊपर मैंने केस करा है, तो देखो कहीं ना कहीं तुम्हारा भी हाथ होगा। रिहान आंटी से जब तूने पैसा लिया तब भी उसका ब्लेम सारा सत्तानी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जो भी एलिगेशन है तुम निशा के ऊपर तुमने डाल दिया, तो मामा पब्लिक जानना चाहती है कि अगर तुम सही हो तो अपने सही होने का, अपना सच होने का जो प्रूफ है वो दो। तुम मुँह से खाली बोलो मत कि मेरे को फंसाया गया है, मेरे को ये किया गया है, वो किया गया है। फंसाना इतना आसान नहीं होता है, वो भी उस इंसान को जिसको आप जानते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जानते नहीं हो। अगर मैं आपको जानती नहीं हूँ तो मामा मैं आपको इतनी आसानी से फंसा नहीं सकती। फंसाने के लिए भी आपके बहुत अंदर तक मुझे घुसना पड़ेगा, घुस के आपकी सारी अंदर की इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं आके आपको फंसा सकती हूँ। ऐसे ही कोई ऐरा गहरा आके आप भी मेरे नाम पे अभी लोगों को फंसा नहीं सकते, क्योंकि फंसाने के लिए भी जिस पार्टी का नाम लेके आप फंसाओगे उस पार्टी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और रही बात तीसरी शादी की, तो मामा की जो तीसरी आइटम है वो तो आइटम ही बोलूँगी ना मैं मामा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर इतना एलिगेशन लगा है कि तुम ना सुधरे, तुम रील बना रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो थोड़ा शर्म तो रखो। हद जाने की उम्र में तुम शादियों की बात करती हो, किसी के वीडियो में मैंने सुना था लाइव में कि तुमने बोला कि देख अभी मैं चाहूँ तो तीसरी शादी कर सकता हूँ, ये फलाना ढिका, फिर बागमती माहेश्वरी जो भी है उनके साथ आप घूमना घामना जो भी है। सूत्र के अनुसार ये भी पता चला कि आप लोग शादी करने वाले थे, जो कि शादी जो आपका रिश्ता है वो टूट गया, क्योंकि आपकी बैकग्राउंड के बारे में जो है बागमती और माहेश्वरी जो भी उनको पता चल गया था। तो यही बोलूँगी मामा के उम्र हो चुकी है, आप भी बेटियों के और बेटों के माँ बाप हो, बाप हो, तो ऐसा कोई काम मत करो जिससे बच्चों को बद्दुआ लगे, हाई लगे। और आप जैसे लाइव में बैठ बैठ के बोलते थे साइडा और सत्तानी के बारे में बुरा करते थे, तो कहीं ना कहीं गुनहगार आप भी हो, मुझे ऐसा लगता है। एक हाथ से यूँ ताली नहीं, उससे ताली बजने के लिए दोनों हाथ लगती है, नो डाउट। वो बहुत हरामखोर औरत है, बहुत ही ज़्यादा बेकार औरत है, नो डाउट। उसमें वो भी हरामी, आप भी हरामी, दोनों ही हरामी, बट कुछ कुछ चीज़ होती है ना मामा कि एलिगेशन यूँ हवा में उड़ के लग के आते नहीं हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो आपके बारे में वीडियो बना रहे, जो आपके बहुत खास है, आसम खास है, जिन्होंने आपको बचाया भी था, तो उनके बारे में आप बुरा भला बोलते हो, और उनके साथ तो लाइव में भी आप ज्वाइन करते थे, फिर उनके साथ आप बात भी करते हो, आपके बारे में वो बुरा भला भी बोलते हैं, फिर आपसे बात भी करते, तो या तो ये फिर आपका प्लान है, गेम का हिस्सा है, या फिर आप पागल हो, मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरे बारे में अगर कोई बुरा बोलेगा फिर मैं उससे बात तो कतई ना करूँ, कभी ना करूँ, अगर करूँगी तो गालियों के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी।
और अगर आप इतने सच्चे हो तो आपकी सच्चाई का प्रूफ दो कि 15 लाख में भी आपका हाथ नहीं था, 6 लाख में भी हाथ नहीं था। तो चलिए, आज का जो वीडियो था उसका थंबनेल आप लोगों ने देखा ही है कि एमसी मामा ने फिर से किया 6 लाख का झोल, और जो झोल है उसका नाम तो रहीम निशा शेख के ऊपर दे दिया, और बाकी के जो अंदर की इन्फॉर्मेशन है मैं निकाल के आप लोगों को देने की इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूँगी कि कैसे क्या हुआ। अभी तो बोले इतना सुनाई दिया है, एमसी मामा ने भी मुँह से कबूला है कि मैंने उसके ऊपर केस किया है, फलाना ढेबा जो भी है, और रहीम निशा नाम शेख नाम का कोई है यूट्यूबर है, मुझे नहीं पता। और ऐसे तो मेरा एक ही पॉइंट है कि ऐसे कोई किसी के ऊपर केस नहीं करेगा, और ऐसा कोई किसी के ऊपर किसी के नाम से फ्रॉड कर भी नहीं सकता। फ्रॉड करने के लिए आपके अंदर के जो इन्फॉर्मेशन उनके पास होना चाहिए, या फिर आप इस फ्रॉड में शामिल हो, लेकिन आप अभी ऐसे पहले किया था 15 लाख के टाइम पे आप सेफ खेल रहे थे, अभी वही कर रहे 6 लाख के टाइम पे सेफ खेल रहे थे। 21 लाख रुपये मामा जमा कर लिए अपने फ्रॉड गिरी करके, पार्टे तो बनता है बस। तो और तीसरी शादी में आई रुकावट, हाँ रुकावट आई जित सूत्र के अनुसार पता चला है, और रुकावट इसलिए आई क्योंकि उनकी जो दूसरी पत्नी है, दूसरी पत्नी के लेकर बहुत नोकझोंक हुई, मतभेद हुई, और दूसरी पत्नी उनको तलाक देना नहीं चाहती है, इसी चीज़ को लेकर रुकावट आई थी इसी शादी में। अब कितना सच है कितना झूठ है मुझे नहीं पता, सूत्र के अनुसार पता चला है। सूत्र होते हैं कहीं कि यूट्यूबर्स जो क्या ही बोलो समझ जाओ। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखे, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, एंड बस यू ही प्यार आप लोगों का बना रहे। किरण, कोमल, कर्माकल, एमनी, इब्राहिम, श्रुतु, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अपूर्वा मैम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते थे, ढेरों सारे मतलब भर भर के दुआएँ देते हैं। तो आप लोग की दुआओं के लिए दिल से जज़ाकअल्लाह। आप लोग जहाँ भी रहो खुश रहो, ऐसे प्यार देते रहो अपनी इस बहन को, ऐसे सपोर्ट करते रहो अपनी इस बहन को, बस और क्या चाहिए। और आज के वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।